टाइप 928D अटैक बोट्स, ये चीन का नया हथियार है। पैंगोंग झील में इस हथियार से भारतीय फौज का सामना करने की तैयारी में है चीन। ये बोट्स न केवल चलने में तेज है बल्कि इसकी फायर पावर भी जबरदस्त है। पैंगोंग में सीमा के उस पार ऐसी 18 बोट्स चीन ने रेडी करके रखा है जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है। हाई स्पीड से चलने वाली ये पेट्रोल बोट छोटे और मीडियम रेंज तक मार करने वाले हथियारों से लैस है। ये चीनी बोट्स LAC के चीन वाले इलाके में ही गश्त कर रहे हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डी ट्रस्फा की सैटेलाइट इमेज सीमा पार चीन की सारी साजिशें बयां कर रही है। चीन ने पैंगोंग झील के पास बड़े पैमाने पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं। चीन ने इन बोट्स के लिए डॉकयार्ड, रिपेयरिंग डिपो और रडार स्टेशन भी बनाया हुआ है। इनके अलावा सैनिकों के रहने के लिए शेल्टर का भी निर्माण किया गया है। आसपास बिजली की सप्लाई के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। चीन की टाइप 928D पेट्रोल बोट स्वीडिश CB-90 की तरह ही पावरफुल बोट है। इन बोट्स के जरिए पहाड़ी झीलों में चीनी सेना की ताकत बढ़ जाती है, ऐसा चीन दावा करता है। पहली बार पिछले साल यानी 2019 के जुलाई महीने में चीन ने इस बोट्स को तैनात किया था। चीन की झेंगझाऊ FRP शिपयार्ड ने इसे तैयार किया है। गौरतलब है कि चीन को ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक बोट्स बनाने में महारत हासिल है। ये बोट भी ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से तैयार की गई है। इसमें लगी 12.7 mm की हैवी मशीन गन ही इसका सबसे मुख्य हथियार है। ये बोट 45 फीट लंबी है और इसका बीम 13 फीट का है। इसमें 295 हॉर्स पावर के 3 मोटर्स लगे हुए हैं जो इसे 38.9 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार देते हैं। इस अटैक बोट पर 11 चीनी सैनिक तैनात होते हैं। इस बोट में कई तरह की मिसाइलें भी लगी हैं। इस हाई स्पीड बोट से चीन पैंगोंग के इलाके में खुद के मजबूत होने का दावा करने लगा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।